अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड चिकन पैटीज़। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े के हैं। और धीरे धीरे रमज़ान ख़त्म होने पर है, ईद की तैयारी। चलिए शुरू करते हैं। आप इसे अफ्तार में भी बना सकते हो, आप इसे ईद के वक्त भी बना सकते हो। जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। बहुत ही मज़े के हैं। और हम आज आपके साथ ब्रेड क्रम्स किस तरह तैयार करेंगे वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ब्रेड चिकन पैटीज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्रेड को सबसे पहले तो हमने किनारों को कट कर लेना है। जो ब्राउन पार्ट होता है उसे पूरा हम निकाल लेंगे। ये छोटे ब्रेड से मैं तैयार कर रही हूँ। आप इसे जितना चाहें बड़ी ब्रेड से भी इसे बना सकते हो। तो क्वांटिटी बस आपने बढ़ा लेना है चिकन वगैरह की। तो ये सारे हमने किनारों को यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसे हम जार में डालकर बस कुछ सेकंड के लिए पीस लेंगे। इस तरह मोटा मोटा चाहिए। अब यहाँ चूल्हे पर हमने पैन रख दिया है और जो ब्रेड के ये पीस के हमने रखा है ये सारा इसमें डाल देंगे। और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने, मीडियम से लो फ्लेम पर हमने इसे भूनना है। इस तरह सेक लें जब तक कि इसका हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देख सकते हो आप, हमारा ब्रेड क्रम्स बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर पर आ चुका है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। चूल्हे पे हमने रख दिया है पैन और इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। और ये 250 ग्राम चिकन का कीमा है। इसे अच्छी तरह से वॉश किया और इसका सारा पानी निकाल लिया है। और इसे हम डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो इसका पिंक कलर है थोड़ा चेंज हो जाए, वाइट की तरफ आ जाए। तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम मिला लेंगे। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि चिकन हमारी गल जाए। तो ये 5 मिनट के बाद हम इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके हम इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच रेड चिली सॉस हम इसमें डाल देंगे और एक छोटा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हम बारीक कटा हुआ हरा प्याज की पत्तियां डाल देंगे और 3 बिल्कुल बारीक हमने हरी मिर्चों को काट लिया है ये भी हम मिला लेंगे। और 1/2 कप हरा धनिया हमने काट के इसमें डाल दिया। अब सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे चूल्हा हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम का और इसमें हम डाल देंगे मायोनीज 1/2 कप और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन याद रखना है चूल्हा बंद करके हम मायोनीज वगैरह डालेंगे और इसे हम कुछ ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर ब्रेड को हमने इस तरह बेलन से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से बेल लेना है। अब हम एक ब्रेड की स्लाइस में हल्का हल्का पानी से इस तरह उसे सोक कर लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का पानी हमने लगाना है और बीच में जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की है वो हम रख देंगे। 1 से 2 चम्मच हमने इसे अच्छे से भर के रखना है। और ऊपर से हमने जो ब्रेड की स्लाइस को रखना है उसे भी हल्का हल्का पानी से इस तरह लगा लें और फिर इसके ऊपर कवर कर देंगे और साइडों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। इसी तरह सारी पेटीज को हमने तैयार कर लेना है। बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार है। आपने इसे बनाकर
ट्राई ज़रूर करना है। इस तरह आपने रेडी कर कर और जब भी आपके मेहमान आए आप फ्राई कर सकते हो। और यहाँ पर दो अंडे हमने एक बाउल में तोड़ लिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और तेल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है और चलिए अब इस तरह पेटीज लेंगे और अंडों में डीप कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स ऊपर से अच्छी तरह से हर तरफ से हमने लगा लेना है। और चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह आराम से आप चम्मच पर रख कर डालें और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जब एक तरफ से अच्छा हल्का गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद ही हमने साइड को चेंज करना है। इसी तरह हमने दोनों तरफ से अच्छे कलर आने तक का इसे फ्राई कर लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलर हमारे पेटीज पे आया है। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। बहुत ही मज़े के बने हैं, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो इसी तरह हम बाकी के पेटीज को भी तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे ये ब्रेड चिकन पेटीज बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार लजीज है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए हम कट करके देखते हैं कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और आपसे रिक्वेस्ट है अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसे खूब शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।